नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आपको तो पता ही है कि परेशानियां हर किसी के जीवन में आती है, कभी किसी प्रकार की, कभी किसी प्रकार की। कोई बच्चों से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी, साथ ही आपको बता दें कि कोई पैसों की तंगी से गुजर रहा है, तो कोई गृह क्लेश से गुजर रहा है। लेकिन परेशानियाँ सबके जीवन में होती है। कभी कभी तो कुछ लोगों के साथ ऐसे हालात बन जाते हैं कि पैसा कमाते हुए भी उनके पास पैसा टिकता नहीं है। और दोस्तों, कई परिस्थितियां ऐसी बन जाती है जब आप अच्छा काम कर रहे हो और मेहनत भी अच्छी करते हो, लेकिन आपके काम नहीं बनते हैं, आपके काम बिगड़ जाते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं समस्याओं का हल बताने वाले हैं, ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे उपाय जो आपको इन परेशानियों से दूर कर देंगे, साथ ही आपके पास ये परेशानियाँ आएंगी भी नहीं। और ये उपाय लौंग और इलायची से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप इस उपाय को ध्यान से सुने और समझिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी समस्याओं का हल आपको मिल सके और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल सके। और साथ ही ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जो आपके पैसों की तंगी दूर करते हैं, साथ ही घर में बरकत का वास करते हैं, आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्ति है उनको ख़त्म करते हैं और सकारात्मक शक्ति का आपके घर में वास करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उपाय की। इस उपाय में आपको लौंग और इलायची की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी किसी भी दुकान से, बाज़ार से, कहीं से भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको लौंग और इलायची ले आनी है और उसको घर के पूजा स्थान पर रख देनी है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप उनको लेकर आए तो गंगा जल से उनको धो ले, या गंगा जल से उनका छींटा मार दे। उसके बाद आपको जहाँ पर आप भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं या पूजा करते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। तो दोस्तों, आप बाज़ार से बहुत सारा लौंग और इलायची खरीद कर लाएंगे, लेकिन दोस्तों, हमें ज़रूरत है सिर्फ एक लौंग और इलायची की, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय में। तो आपको एक लौंग और एक इलायची लेनी है, उनमें से निकाल लेनी है और उसके बाद एक कागज़ पर रखकर पुड़िया बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों, उस लौंग और इलायची को अपने माथे से लगा लेना है और उसके बाद पुड़िया को पूजा स्थान पर रख देना है। और पुड़िया को रखते समय मन ही मन आपको जितनी भी परेशानियां हैं आपके घर की, वह बोलना कि हे माता, हमारी जो भी परेशानियां हैं, साथ ही हमारे पैसों की तंगी, कर्ज मुक्ति से हमें छुटकारा दीजिए और अपना यह उपाय स्वीकार कीजिए। तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। अपना दुख दर्द और अपनी जितनी भी समस्या है बोलते हुए यह पुड़िया आपको मंदिर के स्थान पर रख देनी है, जहाँ पर आप अपनी मूर्ति आदि रखते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका यह उपाय हो गया है, शाम के समय आपको यह उपाय करने के बाद सो जाना है। उसके बाद अगले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठकर नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको मंदिर में जाना है और जो शाम को आपने लौंग और इलायची रखी थी वह इलायची उठा लेनी है। और उसके बाद आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिलाए और जो लौंग और इलायची आपने उठाई है उनको लोटे में डाल देना है और आपको माँ तुलसी को चढ़ा देना है। चढ़ाते समय आपको फिर से अपनी वही मनोकामना व अपनी परेशानियाँ माता तुलसी के सामने बोलना है कि हे माता, हमारी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी हमारी ग्रह क्लेश है, तंगी है, पैसों की तंगी है या कर्ज मुक्ति है, उससे हमें छुटकारा दीजिए। और मन ही मन यह परेशानियाँ उनको बताते हुए जल को तुलसी में दे देना है या डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है और यह उपाय आपको रोजाना करना है नित्य क्रम से। तो दोस्तों, आपको ध्यान रहे कि यह उपाय आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करें और नहा धोकर करें, साथ ही स्वच्छ मन और स्वस्थन भी आपका होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का क्लेश विकार आदि नहीं होना चाहिए। और माता तुलसी से आपको यह भी प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमारी जितनी भी मनोकामनाएं वह पूर्ण करे, साथ ही हमारे घर में बरकत आदि का स्थान दे और घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको ख़त्म करे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करे। लेकिन दोस्तों, यह उपाय करने से पहले आपको बता दें कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको बता दें कि यह उपाय तुलसी का है और तुलसी माता को रविवार के दिन और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो आपको इस बात का बिल्कुल समय से ध्यान रखना है और दिमाग में ये बात रखनी है कि इन दो दिनों में यह उपाय नहीं करना है, साथ ही तुलसी माता को छूना तक भी नहीं है। हाँ, बाकी दिनों में आप ये उपाय लगातार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आप देखोगे कि आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं होने लगी है, दुख दर्द समस्याएं पीड़ा दूर होने लगी है और आपके घर में पैसा बरसने लगेगा, साथ ही पैसा आएगा तो टिकने भी लगेगा।
और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं, जितने भी आपके काम रुके हुए हैं, कहीं से पैसा रुका हुआ या कोई काम ऐसा है जो बहुत दिनों से अटका पड़ा है लेकिन हो नहीं रहा है, तो ये काम भी आपका होने लगेगा। माता तुलसी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो दोस्तों ये था एक उपाय जो माता तुलसी के लिए आपको करना है, लौंग और इलायची का। यह उपाय बिल्कुल सिद्ध किया हुआ उपाय है, साथ ही शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। साथ ही आपके मन में ये सवाल भी होगा कि इनके पास ये उपाय कहाँ से आते हैं, कहाँ से ये वीडियो वाले ये उपाय लेकर आते हैं। तो आपको बता दें कि धर्म शास्त्रों में ये सब उपाय लिखे हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उन्हीं में से ये उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही यह उपाय आसान भी है और करने में भी अच्छे हैं। इनमें कोई दो राय नहीं है कि इन उपायों से घर की बरकत आ जाती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आपको बता दें कि घर में अगर पितरों की नाराज़गी है और ग्रह क्लेश ज़्यादा रहता है तो हमारी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता ज़रूर लिख दे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय हो तुलसी माता की, जय हो शेरों वाली माता की, तेरी सदा ही जय हो।